बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो नासिर, मैं तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं है। तुम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्यों दे रहे हो? जो कवर लेटर है, बेसिकली इट आउटलाइंस कि तुम क्यों ये रोल करना चाह रहे हो, राइट? ओके उसमें जी ये मत लिखो कि जैसे तुमने यहाँ लिखा हुआ है, और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? एक मिनट सर, इसको बंद करो। तुमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिख दी हैं। अब देखो, तुमने इसमें लिखा है यहाँ पर, इसको मिनिमाइज करो। हाँ, तो जो तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है यहाँ पर, तुमने इसमें लिखा है कि आई एम राइटिंग दिस लेटर फॉर द साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट इन योर कंपनी। माई डिग्री एंड स्किल्स इनकरेज मी टू सेंड यू दिस रिक्वेस्ट। जी वाई? क्या मतलब कि वाई आर यू? देखो, you are going there for a position, right? जी So position उनके पास advertise है, and the letter should start के भाई who exactly you are, like जो तुम्हारी एक छोटी सी statement है ना, जो उस पे लिखी हुई है CV के ऊपर, याद है कि तुमने जी क्या जी किया? That is what needs to highlight कि तुम क्या करना चाहते हो, ठीक है? ओके तो ये इसको मैं ठीक करता हूँ। It needs some workup. So I'm going to write down a precise एक पैराग्राफ लिखूंगा, 10-12 लाइनों का, दैट्स इट, ठीक है? ओके हाँ, उसमें मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगा कि तुम क्या करते हो, क्या हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट्स इट, ठीक है? नाउ तुम अपना सीवी जरा दिखाओ मुझे, तो जो तुम सीवी अभी तक हर सब जगह भेज रहे हो, वो कौन सा सीवी है तुम्हारा? जरा वो एकदम मैंने आपको सेंड की हुई है, आई थिंक मैं ये एक मिनट जरा खोल के देखता हूँ। असल में इतने सारे सीवी आते हैं ना कि याद नहीं रहते मुझे। एक मिनट, मैं तुम्हारी चैट खोल के देखता हूँ सर का। और अभी लाइव सेशन होने वाला है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का, ठीक जी है? जी जी अगर तुम्हारे पास वक्त है तो तुम प्लीज ज्वाइन करो, बिकॉज वो तुम्हारी इंटरव्यू की प्रिपरेशन है सारी, ठीक ओके है? सही है ना? जैसे वो हमारे यहाँ पर अहमद अली खान है, जो जी हाँ, देखा है वो पेशावर का है, वो भी कल उसका इंटरव्यू देखा था यूट्यूब के ऊपर, मैंने रखा हुआ उसका। वो MD ए कंपनी है सैटेलाइट की, ठीक है? वो जो नासा को सर्विसेज देती है उसमें अप्लाई कर रहा है इंशाल्लाह, ठीक है? और BMW में जिसका इंटरव्यू जी है उमेर, उसका इंशाल्लाह, उसका वो इंटरव्यू तक पहुंच गया है। तो ये मेरा सेकेंड कैंडिडेट है जो BMW में जा रहा है, तो इंशाल्लाह तुम भी जल्दी लग जाओगे। आज हम तुम्हारी जॉब सेलेक्ट करेंगे, और अगले 15 मिनट में हम सिर्फ जॉब्स अप्लाई करेंगे, और मैं तुमको बताऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह कौन कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। ठीक CV और CV है तुम्हारा, ये है ना CV? जी मैं लिख दूं ना सर? So, ये तुम्हारा CV है, ठीक है? अब इसको हम शेयर करते हैं और देखते हैं इसको अच्छी तरीके से। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ये बड़ा जबरदस्त CV है तुम्हारा, ठीक है ना? जी ये सब चीजें तुम्हारी बिल्कुल ठीक हैं, और तुमने यहाँ पर ये भी किया, और तुम अभी कंसल्टिंग भी कर रहे हो, ठीक है? और जी दिस तुम्हारा रोल हो चुका है, मार्च में तुम जा रहे हो अभी, ठीक है? और ठीक है, और ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये सही है तुम्हारा रिज्यूमे, ठीक है? तुमने इसको यही जो वर्जन है, तुमने इसका इटालियन वर्जन बना लिया, क्या किया? नासिर, मेरी आवाज आ रही है तुमको? हेलो नासिर, नहीं है, अभी तक नहीं बनाया है क्योंकि वो वर्डिंग उसके अप्रोप्रिएट नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से मैंने इसका इटालियन वर्जन अभी तक नहीं बनाया। यहां पर इंग्लिश में CV चले जाते हैं, ले लेते हैं ये लोग, जी, ले लेते हैं, कोई मसला नहीं होता। ठीक है? ठीक है, सही है। फिर हम लोग एक काम करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग दो तीन काम करते हैं। पहला तो ये है कि इंडीड ग्लोबल खोलते हैं, ठीक है? और इंडीड ग्लोबल में हम यहाँ जाते हैं और इटली पे जाते हैं, ओके? सो यहाँ पर अब तुम जिस जगह पहले रह रहे थे, जिस जगह तुम अभी रह रहे थे, उसका
क्या नाम है उसका, जरा बताओ उसकी शहर की अपनी वो बताओ जरा, स्पेलिंग बताओ जरा जी 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 शहर की, जरा स्पेलिंग बताओ जिस शहर में रहते हो। इस वहां का मच रहा था, मच मच रहा था, MACH MACERATA। MACERATA मच्छर आता, प्रोविंस ऑफ इटली। ठीक है, सो ये तुम यहाँ यहाँ तुम रहते हो, राइट। जी हमने ये देखना है कि इसके आसपास के कौन से एरियाज हैं जहाँ तुम अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो जी दैट्स व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। सो मच्छर आता है, फेबरिनो है, अब मैं शायद हो सकता है नाम गलत पढ़ रहा हूँ, नहीं, कमरीनो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, कमरीनो। ठीक है, फॉलिगिनो है, अब ये सारे बड़े बड़े शहर हैं, राइट। इसमें मेन फाइनेंशियल हब कौन सा है? अनकोना जो यहाँ के नज़दीक है वहाँ पे एक पोर्ट है, और इनका बहुत बड़ा जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो अनकोना में ही होता है। अनकोना इस में, मचरा तक हमारे घर से कितना जी तकरीबन दूर? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर, ठीक है, तो 30 तो कोई मसला नहीं, 30 किलोमीटर का मतलब 30 मिनट की ड्राइव है। नहीं, तकरीबन 30 मिनट की ड्राइव है। 30 मिनट ना, 30 मिनट्स, राइट। ठीक है, सही है। तो अब हम जरा तुम्हारी जॉब्स का देखते हैं, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी लिखा, और तुम्हारा जो एरिया है वो MACERATA अगर आता लिखते हैं, और इसका एरिया बढ़ा देते हैं 100 किलोमीटर्स तक कर देते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी एबल टू अप्लाई एवरीवेयर, राइट। जहां जी तुम्हारी जॉब होगी, पहले तो तुमसे फोन पे इंटरव्यू लेंगे ना, राइट, जी COVID-19 की वजह से। तो हम इसको जी बता, जी यहाँ पे कभी कभी रेड जोन पे आ रहा है, कभी ऑरेंज जोन पे आ रहा है, पता भी नहीं चल रहा है किस काल एग्जैक्टली, क्या होगा। हाँ, तो मेरे ख्याल से उसको हटा दो कि आपको यू कैन गो एनी वेयर वेयर द जॉब इज। तुम मकसद जी तुम्हारा ये होना चाहिए कि जहां जॉब होगी वहां तुम जाओगे, राइट। जी तो अब दो तीन जगह हैं जहां तुम्हें, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना, मिलानो के अंदर, इसको खोल के जी देखते हैं। कस्टमर फेसिंग डिलीवरी ऑफ अज्योर सिक्योरिटी क्लाउड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, ग्लोबल है, फॉस्टर है, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी आइडेंटिटी सॉल्यूशंस है, एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। यू विल बी और यू माइट बी इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट देम, ठीक है। तो ये तुम्हें जी सिखाएंगे सब, सब ट्रेनिंग तुम्हें कराएंगे, ये सब ट्रेनिंग कराएंगे। इस रोल के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, जी हमने अपनी इंडीड की आईडी बनाई है। नहीं, यहाँ पे इंडिट क्योंकि वो हर टाइम वो अपना पासवर्ड चेंज करते हैं, तो इस वजह से वो डायरेक्ट ईमेल पे मैसेज करते हैं और फिर वो पासवर्ड आपको दोबारा देना पड़ता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा ये लिख लो जॉब माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी कंसल्टेंट में तुम अप्लाई। मैं हो करता ये कि मैं तुम्हारे नाम से यहाँ सेव कर देता ना, अगर सेव कर देता तो तुम अपने नाम से जब दोबारा लॉग इन करते तो तुम्हें नजर आता और तुम फिर अप्लाई कर देते ना। अब तुम्हें ये वीडियो में से देखना पड़ेगा कि साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट माइक्रोसॉफ्ट मिलानो लोम्बार्डिया के अंदर ये जॉब है जिसके लिए तुमने अप्लाई करना, ओके ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर है, तुम्हें इसके लिए अप्लाई जी करना, ओके। इट डजेंट मैटर कि वो क्या है, वो तुम्हें सब चीजें सिखाएंगे। और अगर तुम्हें इंटरव्यू की ओके कॉल आएगी, इंटरव्यू की कॉल आने से पहले तुम्हें पहले HR से कॉल आएगी कि आप इंटरव्यू के लिए कब अवेलेबल हैं, या ईमेल आएगी। जैसे ही जी तुम्हें जी ईमेल मिलेगी, तुम उसे 1 या 2 दिन पहले मुझे बताओगे कि फैसल भाई, या जितनी जल्दी बता सकते हो बताओगे कि फैसल भाई मेरा ईमेल है, मेरा इंटरव्यू है, और ये मेरे रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसके हिसाब से प्लीज आप मुझे तैयारी करा, ठीक तो मैं फिर तुमको उसके हिसाब से तैयारी करूंगा। लेकिन तुम्हारे लिए लाजमी है कि बिल्कुल तुमने मुझे फौरन से बताना है, ठीक है। सही जी इसके बाद जूनियर कंसल्टेंट साइबर सिक्योरिटी मिलानो के ओके अंदर अंडरस्टैंडिंग, इसके लिए भी अप्लाई करो, ओके ठीक है। और अगेन दिस इज अ जूनियर कंसल्टेंट, वो तुम्हें सब चीजें सिखाएंगे, डजंट मैटर, ठीक है। ओके वैसे पैसे अच्छे देते हैं ये लोग, पैसे दे पे वेल, दे पे वेरी वेरी वेल, ठीक है। और जो ओके क्वालिफिकेशंस तुम्हारे पास लिखी हैं, इनको यही चाहिए। फिर तुम जी साइबर सिक्योरिटी रिस्क एनालिस्ट, इसके लिए भी जरा मैं देख लूँ, ठीक है, इसके लिए भी अप्लाई करोगे। हाँ ठीक है, ये सब तुम्हारे CV में लिखा हुआ है ऑलरेडी, नेस्ट का फ्रेमवर्क, ISO का फ्रेमवर्क, और ये ISO का फ्रेमवर्क तुम अभी कर रहे हो मेरे साथ, राइट, जी ठीक जी है ना। ये तीन चीजें ऑलरेडी मेरे साथ कर रहे हो। यहाँ इन्होंने GRC का आर्चर का मांगा है, लेकिन आर्चर की जरूरत नहीं है, तुम
मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा कि तुम्हें किस तरह से उनसे बात करनी है, राइट? सही। आर्चर एक सॉफ्टवेयर है, मैं तुम लोगों से काम करवा रहा हूँ, जीआरसी का एक सॉफ्टवेयर है, मैंने इस पर बहुत काम किया है, उसको लर्न करना कोई मसले की बात नहीं, तुम्हें एक दिन में, तुम्हारे जैसा आदमी एक दिन में लर्न कर सकता है इसको, ठीक है? अच्छा, इसके बाद देखो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ साइबर सिक्योरिटी लिखा और मैंने शहर का नाम खाली रखा, मैंने इस तरह से सर्च किया तो मेरे पास इटली में जितनी जॉब्स हैं 744 रोल्स आ रहे हैं सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के, ठीक है? तो तुम एक एक्सेल शीट बनाओगे, तुमने एक ऐसी एक्सेल शीट बनानी है, ठीक है? उसमें तुम लिखोगे यहाँ पर डेट, ठीक है? तुम यहाँ इसके साथ लिखोगे तुम बेसिकली लोकेशन, ठीक है? यहाँ पे तुम लिखोगे स्टेटस, अप्लाई किया कि नहीं किया, ठीक है ना? अगर अप्लाई कर दिया तो लिखोगे अप्लाइड, अगर नहीं किया तो खाली छोड़ोगे उसको, ठीक है? और इसके साथ तुम लिखोगे लोकेशन में तुम सिटी का नाम लिखोगे, नेम ऑफ द सिटी, ठीक है? और अब तुम्हें ऑर्गेनाइज तरीके से जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद तुम लिखोगे यहाँ पर यूआरएल जॉब का, ठीक है ना? इंडी क्या नाम है, वेबसाइट कौन सा है, जॉब पोर्टल, ठीक है ना? जॉब पोर्टल तुमने यहाँ लिखा इंडीड, ठीक है ना? इंडीड जॉब पोर्टल है, और जॉब का यूआरएल, जॉब का जॉब पोस्ट यूआरएल, ठीक है? तो यूआरएल का मतलब है कि जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने जॉब खोली तो ये यूआरएल है, ये मैंने कॉपी कर लिया, ये यूआरएल यूनिफाइड, मतलब कैसे कहते हैं, यूनिवर्सल रीडायरेक्टर समथिंग, मैं भूल गया हूँ, अभी मेरा जहन बिल्कुल काम नहीं कर रहा, थका हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन यूआरएल तुमने यहाँ पर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है ना? तो तुमने यूं करके उसमें डालना है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद फिर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्विया पुगलिया के अंदर जॉब, DBS साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइज रिस्क एंड कंप्लायंस डेलॉयट के अंदर, इसके लिए भी अप्लाई कर लो, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई नहीं करो, यू नीड टाइम, ठीक है? 6-8 महीने के बाद तुम स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जूनियर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट टोरिनो के अंदर अप्लाई करो, ठीक है? जूनियर PMO सिक्योरिटी अप्लाई करो, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जनरली ग्रुप, इसमें भी अप्लाई करो, जी जी। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट वर्थॉक्स के अंदर, फीनिक्स के अंदर, लेट मी सी, इसमें सीम वगैरह मांगा है उन्होंने तुमसे जी। अच्छा, सॉक भी मांग रहे हैं ये तुमसे, ये तुम 2 महीने 1 महीने के बाद तुम इसके लिए अप्लाई कर सकोगे। ओपन वैस वल्नरेबिलिटी स्कैनर मांग रहे हैं तुमसे, सटायो टेनेबल नेसेस मांग रहे हैं तुमसे, ये तुम 1 महीने के बाद अप्लाई कर सकोगे, ठीक है? इसके लिए नहीं, ओके, ठीक है? सही। लेकिन साइबर सिक्योरिटी जूनियर कंसल्टेंट बिजनेस कॉम्पिटेंस SRI, इसके लिए अप्लाई करो। जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट और साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, लेकिन अभी अभी जो आप लास्ट में दिखा रहे हैं वो तकरीबन उनको हो गए हैं तकरीबन 30 डेज जो उनकी पब्लिकेशन हो गई है, तो आई थिंक इट डजंट मैटर, ये देखो अगर तुम्हें लेटेस्ट चाहिए तुम डेट के हिसाब से करो, एक जॉब को फिल करने में इनको टाइम लगता है, ठीक है? रिसोर्स की इतनी ज्यादा वो है, जरूरत है कि बहुत टाइम, देखो जैसे मैंने अभी डेट डाल दिया तो आज की जो जॉब है ना वो ये आई है, अभी आई है, इंटर्नशिप की जॉब है, इंटर्नशिप प्रोग्राम टेक्नोलॉजी मिलानो के अंदर, तुम इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? सही है। HR रिक्रूटर, ये तो HR के लिए, जूनियर रेगुलेटरी रिस्क इन कॉर्पोरेट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डेलॉयट में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं, अब ये जूनियर साइबर सिक्योरिटी, इसके लिए तुम अप्लाई कर सकते हो। एडिको, एडिको एक एजेंसी है जो है ना स्टाफिंग एजेंसी है, जो अपना जो ये प्रोजेक्ट्स उठाती है और बंदों को प्लेस कर देती है, राइट? यूरोप में बहुत मशहूर है, 20 साल पहले मैंने एडिको के साथ काम किया है, ठीक है? तो अच्छा। ये पूरे यूरोप में नजर आएंगे तुमको साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, तो ये जॉब्स अभी हैं इसमें, इट डजंट मैटर, ठीक है? 30 डेज भी हो ना, उनको जॉब फिल करने में टाइम लग जाता है क्योंकि अच्छा कैंडिडेट मिलता नहीं। अगर तुम जूनियर साइबर सिक्योरिटी लिखते हो जी, तो तुम्हारे पास 104 जॉब्स आती हैं, तो 744 में से 750 समझो, 750 जॉबों में से 100 जॉबें, 104 जॉबें ऐसी हैं जो जूनियर है, यानी तुम्हें एंट्री लेवल की जॉब है, सो यू कैन अप्लाई फॉर ऑल ऑफ दीज जॉब्स। और अगर तुम डेट डालो, ये आ जाइए, ये एडिको वाली आ जाइए,
जूनियर मार्केटिंग स्पेशलिस्ट साइबर सिक्योरिटी योरी के आ जाइए, ठीक है, जावा डेवलपर छोड़ दो, जूनियर टेस्टर छोड़ दो, जूनियर साइबर सिक्योरिटी लेजर रोमे, अगेन मैं शायद गलत पढ़ रहा हूँ, लाजमी गलत पढ़ रहा हूँ, मेरी मुझे तो टैली नहीं आती, ठीक है, तो ये जॉब्स के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो. बट व्हाट आई वांट यू टू डू इज आई वांट यू टू अप्लाई फॉर ऑल ऑफ दीज पोजीशंस, जूनियर लेवल पोजीशंस, एंट्री लेवल पोजीशंस, ठीक है. बट व्हेन यू अप्लाई आई वांट यू टू डू इट लाइक दिस कि तुमने किस दिन अप्लाई किया, लोकेशन क्या थी, स्टेटस क्या था, जॉब पोर्टल कौन सा था, जॉब पोस्ट की यूआरएल क्या था, ठीक है, और फिर आखिर में आउटकम, ठीक है ना. तो उसमें तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया, इट विल बी आइदर इंटरव्यू, ठीक है, और या फिर रिजेक्शन, ठीक है ना, या नॉट क्वालिफाइड, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना. ठीक है ना, बस तुम्हें तुम्हारे पास दो ये तुम्हारे पास चीजें आएंगी. तो तुमने ये पूरी चीज बनाकर जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू करना है, और तुम्हारे पास एक टेबल बना हुआ हो और मैं तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारा टेबल देखूंगा, और यू नीड टू अप्लाई फॉर एटलीस्ट जो तुम्हारा अब जो तुमने इतनी कम टाइम में चीजें पढ़ ली हैं, तुम्हें एटलीस्ट इन सब के लिए अगर मैं देखूं, ठीक है, तो इन तमाम रोल्स में तुम्हें रोज आना कम अज कम मैं देखें 20-25 रोल्स अप्लाई करने हैं, ठीक है, सही है. जूनियर पीएमओ सिक्योरिटी, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, हम और देख लेते हैं. जूनियर कॉम्स एंड सिक्योरिटी इंजीनियर, ये नहीं, जूनियर साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. जूनियर डीबीएस, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ये भी आई हुई थी उधर, ठीक है. इसके बाद जूनियर कंसल्टेंट टेक्नोलॉजी रिस्क, इसके लिए ENY, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट एडिसन, इट्स एन इलेक्ट्रिक कंपनी, ये यहाँ पर भी बैठे हैं. एडिसन आई थॉट वाज इन अमेरिका, मैंने अमेरिका में इनके साथ काम किया. ये शायद वो एडिसन हो या दूसरा एडिसन हो. ओ नर्क लिखा है, हाँ ये ना, अच्छा तो ये यहाँ भी बैठे हैं, इसके लिए तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. हाँ मतलब कुछ इसमें ऐसी हैं जो बहुत बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज हैं, जिसके लिए देखो. और 40,000 यूरो ये दे रहे हैं, क्या ये क्या लिखा है, अलानो क्या मतलब हुआ, अलानो एयर पर ईयर, पर ईयर, अच्छा, तो 40,000 यूरो दे रहे हैं. तो 40,000 यूरो का मतलब हुआ कि अगर मैं देखूं इसको, मैं अंदाजा करना चाह रहा हूँ कि क्या सैलरीज हैं. इट्स $48,000, 48 to 50,000, दैट्स व्हाट दे आर पेइंग. दैट्स नॉट बैड, आई मीन रिमेंबर दीज आर मोस्टली मतलब कि एंट्री लेवल है, राइट, ठीक है, सो यू नीड एन एंट्री, राइट, तो उसमें तुम्हें इतना दे देंगे इंशाल्लाह, तुम्हें मिल जाएगा. अच्छा, इसके बाद साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, ये सिस्टमैटियो सिस्टमिस्टर जूनियर. इसके बाद साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट ई वर्क, इसके लिए भी अप्लाई करो, ठीक है, अप्लाई करो इसके लिए. जब तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, आई विल प्रिपेयर यू पर्सनली फॉर द इंटरव्यू. बट द रीजन मैं ये तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास पोस्ट होना चाहिए यूआरएल का, कि ताकि जब तुम्हारे पास लिखा ना इंटरव्यू कॉल जब यहाँ लिखा हुआ हो, तो मैं वो देख तो सकूँ कि उन्होंने जॉब में क्या मांगा है, ठीक है, ताकि मैं तुम्हें इसके लिए तैयारी करा सकूँ ना. अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि जॉब में क्या मांगा है, ठीक है, तो फंस जाओगे ना तुम, राइट. तो आई हैव टू प्रिपेयर यू प्रॉपरली कि तुम्हारे पास उसकी, ताकि तुम्हारे पास वो सारे चीजें हों जिससे तुम इंशाल्लाह सिक्योर कर सको पोजीशन. बाकी जब कंपनी में बंदा जाता है, सो दे ट्रेन यू, दे विल डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स. देखो साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट रोमा के अंदर, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी जूनियर एनालिस्ट, और डेलॉयट और केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ENY, ये चार कंपनीज ऐसे हैं इसमें बहुत जॉब्स आती हैं एंड दे हायर, ठीक है. नॉक टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. जूनियर डेवलपर माइक्रोसॉफ्ट के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. माइक्रोसॉफ्ट में जरूर अप्लाई करना, वो पोजीशन अच्छी है. एंड इट्स, मेरा एक स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है जिसने अपनी किताब भी डोनेट की है, राइट. जी वो मैंने देख ली. हाँ, वो उसके प्रोजेक्ट सारे करके तुम अपनी केगल की अपनी एक प्रोफाइल बना के गिटहब पे तुम डाल सकते हो कि मैंने भी ये प्रोजेक्ट किए, राइट. तुम चीजें डाल सकते हो, तो अपना बेस बनाओ कि भाई, और अपने CV में लिखो कि मैंने ये सारे प्रोजेक्ट किए हैं, राइट. That is what makes your resume, inshallah. Junior risk, regulatory risk, Deloitte, IT and specialized assurance, FSI, any financial services ke andar. Junior OT cyber security stage, isme zarur apply karna. OT ka matlab ye SCADA ke andar hai.
SCADA, okay. Industrial Control Systems, Operational Technology. ठीक है, ये A to A SPA, I don't know किसका क्या मतलब है, लेकिन ये जो जॉब है मतलब ये एक किस्म की कंपनी है जो 100+ लोगों पे मुश्तमिल है। अच्छा, इसका मतलब ये होता है। अच्छा जी जी, क्योंकि SRL जो अंडर 100 पीपल है और जो SPO होता है वो 100 पीपल से, मतलब 100% से ज्यादा जो जिसमें बंदे हो। समझ गए समझ गए। और देखो इसमें 27 और 62443, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक ग्रिड है, 62443 वहां पर इंप्लीमेंट होता है, तो ये इलेक्ट्रिक ग्रिड में काम कर रहे हैं। इन्होंने पाइथन या C++ दोनों में से किसी एक पे तुम्हें काम आना चाहिए, राइट? आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें सी एक्सेल पे काम आता है, तुम अपनी रिसर्च में क्या करते थे? जी, एक्सेल तो मुश्किल नहीं है, बस ठीक है, ठीक है ना? तो उन्होंने एक्सेल का भी लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ था, ठीक है। सॉफ्टवेयर एसेट SFM, आई थिंक इंशाल्लाह विद इन दिस वीक, विद इन द नेक्स्ट 2 weeks तुम ना इंटरव्यूज पे बैठकर जॉब इंशाल्लाह सिक्योर कर लो। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर क्रिप्टोनेट लैब्स, इसके लिए अप्लाई करो, ठीक है? ओके, सही है। तो जहां जहां तुम्हें जॉब नजर आ रही है इन सब के लिए तुम्हें अप्लाई करना, जिस तरह जो मैंने तुम्हें भेजा है। अब इसके अलावा अगर तुम इसको हटा दो और तुम सिर्फ CSSP लिखो जो तुम पढ़ रहे हो, और अभी तुमने दिया नहीं एग्जाम, ठीक है, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है अभी? तैयारी तो मैंने सेकंड टाइम शुरू की है, और अभी तक मैं जो है कोविड का फ्रेमवर्क पढ़ रहा हूँ दोबारा। अच्छा ठीक है, कोविड का फ्रेमवर्क तुम पढ़ लो, ऐसे ही वो जैसे रात को बैठ के रीडिंग होती है ना, क्विकली ब्राउज थ्रू कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन तुम सवालात जरूर शुरू कर देना, सवालात। ओके, मेरा एक स्टूडेंट है बिलाल शफीक, उसका नाम है, वो एग्जाम देने वाला है 2.5 से 3 महीने में एग्जाम देने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो मैं, अगर तुम्हारा एग्जाम का मूड है और तुम्हें मैं मशवरा दूंगा कि तुम भी एग्जाम दे सकते हो, वो तो साल भर से तैयारी करके अब जा रहा है, लेकिन तुम नहीं, वो फ्लैश कार्ड्स जो है वो मैं ऑलरेडी रात को मैं करता हूँ रोजाना। नहीं, फ्लैश कार्ड्स नहीं, MCQs, MCQs ज्यादा से ज्यादा तुमने MCQs करने, MCQs, ठीक है। अच्छा, ये बार्कले सिम्पसन की जॉब है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, इसके लिए अप्लाई करो। 10 जियो रानी का मतलब है कि 10 दिन पहले आई थी, आई एम जस्ट गेसिंग, राइट? ओके, इसका मतलब यही है ना? जी, देज जोरनी पा मतलब 10 डेज अगो, राइट? हां ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, इसके लिए अप्लाई करो। साइबर सिक्योरिटी एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर स्पेशलिस्ट, नहीं ये छोड़ दो, साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल OT कंसल्टेंट E-Work, इसके लिए अप्लाई करो। साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, बस आई थिंक तुम्हारी ये जॉब्स जो है ना अभी, ये काफ़ी हैं, तुम इनके लिए अप्लाई करो, एंड आई वुड लाइक टू सी कि तुम्हें इंटरव्यू से कहाँ से कॉल आती है, एंड देन इंशाल्लाह वी विल वर्क फर्दर, ठीक है? ठीक है ना, अच्छा। सो ये तमाम रोल्स हैं जिसके लिए तुमने अप्लाई करना है, और जैसे ही तुम अप्लाई करो तो मेरे साथ अपनी एक्सेल शीट शेयर करो, गूगल डॉक्स पर डाल दो कहीं, और बोलो कि फैसल भाई ये मेरा रिजल्ट है और मैं तैयार हूँ, और ये मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, एंड एवरी 3-4 days वी विल कीप ऑन अप्लाइंग फॉर जॉब्स, एंड वी विल सी कि तुम्हें इंटरव्यू की कॉल्स कहाँ से आती हैं, क्या होता है। द फर्स्ट इंटरव्यू तुम्हारा हो जाए, उसके बाद तुम खुद सेटल हो जाओगे, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा, और फिर उसके बाद तुम जितने भी इटालियन वहाँ पर मुसलमान है, फिर तुम खुद उनकी हेल्प कर सकोगे इंशाल्लाह। ठीक है, सही है ना? कोई सवाल तुम्हारा? नहीं, बस ये पर्पस ऑफ स्टेटमेंट जो है वो मैं तुम्हारा कवर लेटर जो है मैं उसको अच्छा सा बनाकर तुम्हें भिजवाता हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, अभी लाइव मेरी 10 मिनट में सेशन स्टार्ट होने वाला, ठीक है? सही, वो बहुत बड़ा लंबा सेशन है, लेकिन पर्पस ऑफ द स्टेटमेंट मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें एक अच्छी सी लिख के दे दूंगा, ठीक है, तुम उसको यूटिलाइज करना। पर्पस ऑफ स्टेटमेंट हर किसी की यूनिक होती है, तो तुम्हारी कोई कॉपी नहीं कर सकता, अगर कॉपी करेगा तो वो मतलब कि तुम, मैं तुम्हारा बैकग्राउंड बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, और क्या करना चाहते हो, फिर किस तरह से कर रहे हो, और क्यों तुम्हें सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, उस पर हाईलाइट करके हम बनाएंगे, ठीक है? तो मैं करता हूँ इंशाल्लाह, बताता हूँ, ठीक है ना? बट इन द मीन टाइम जहाँ पर कवर लेटर नहीं मांगा, यहाँ से रिसीव ही मांग रहा हूँ, जस्ट गिव इट ओके, मैं अभी इसी वक्त मैं स्टार्ट करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह, चलो, जज़ाकअल्लाह खैर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, ठीक है? ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, सलाम।